हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का। नेक्स्ट टॉपिक्स में अब तक हमने ओवरव्यू किया है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेट हम कर चुके हैं, फिर हमने टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं इसमें, फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं अब तक, और किस तरह से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मेक किया गया, बनाया गया, फिर पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं इसमें, और आज जो है हमारा टॉपिक इसमें आपका है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य आज हम इसमें पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of the major leaders in our constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. It is what the preamble of the constitution does. Let's turn to these one by one. इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों को अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इसे हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें आपके द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने और वादे। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येट देर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज रीजन। ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट ही वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। आपने हम ये कहें कि आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। उन्होंने क्या लिखा? आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम द थ्रेलॉन एंड द पैट्रॉन्ज। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन दोज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। एन इंडिया इन विच शैल देयर शैल बी नो हाई क्लास नो लो क्लास ऑफ पीपल। एन इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन अ परफेक्ट हार्मनी। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxication, drinkings and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated an inequity very clearly. Bhedbhav aur gair बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे।
उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा के में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन अवर सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लीव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रिल। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 में को हम विचारधारा विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट हर वोट एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्रायस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स when shall redeem our pledge not wholly or in the full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleep India will awake to life and freedom a moment come which comes but rarely in history when we step out from the old to new when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance, it is fitting that this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still large cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future of the beckons to us now. That future is not one so easy or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken and one we shall take today. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but long as there are tears and sufferings, so long our work will not be over. वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या तरह हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक करें। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी सारी दुनिया सोती रहेगी तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा
प्रफुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द भी अभी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और एक भविष्य हमारे सुनहरे संकेत दे रहा है, हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। हम कहें कि भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अक्सर किया है, यानी जिन वादों को हमने किया है। और एक शपथ हम भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत करें। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है हम या यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से सभी जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे रखे। फिर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या थी कि हम पढ़ें, संविधान की जो दर्शन है वो किस तरह से रखा गया। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्न नेचर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियन इंडियाज़ डेमोक्रेसी दीज वैल्यूज एज एमेंडेड इन द prelim of the Indian Constitution, they guide all the articles of the Indian Constitution. The constitutions begin with a short statement of its basic value. This is called the prelim to the Constitution. Taking inspiration from the American model, most countries of the contemporary world have chosen to begin their constitution with prelim. कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा इतिहास क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका में साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत कर एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। लेट्स रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स की वर्ड। तो आइए हम जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान की उसे रीड करते हैं और उसके हर एक शब्द को ध्यान से समझते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम, ये लोकतंत्र की कविता की तरह है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, और ये उस दर्शन को दर्शाती है जिस पे पूरे संविधान की नींव टिकी हुई है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कह सकते हैं कि यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कैसा फैसला अच्छा या बुरा है। भारतीय संविधान की आत्मा इसी में बसती है। तो यहाँ से ये हमारे प्रीलिम दिया हुआ है, हमें भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्कशिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड opportunities and to promote among them all fraternity assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution bharat ka samvidhan uddeshika hum bharat ke log bharat ko ek sampurn samprabhut sampann samajvadi पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों या व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है एक इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा इसको अंदर ये शपथ ली गई कि किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह से जो है ये लागू किया जाएगा। अब है इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो संस्थाओं का स्वरूप, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।